है ना, नॉट आने के बाद 50 तरह का वीडियो देखे, समय खराब करे और फिर गिल्टी फील करे। एक कह रहा है सर सेक्सुअल थॉट आते हैं, सबको आते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमको सेक्सुअल आता है, इसका मतलब तुम एकदम नेचुरल हो, अगर नहीं आते तो डॉक्टर से दिखाने की जरूरत पड़ती। बेटा एकदम ठीक हो तुम, अब क्या करो, सुनो तुम एकदम ठीक हो, प्रूफ हो गया, अब तुम पूरी जान लगा के पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी सारी वीकनेस दीवार पे लिख दो कि जब भी तुम्हें दूसरे तरह के ख्याल आए तो बोलो अरे यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एकदम एकदम जान लगा के, और सारी दुनिया से तुम अलग हो जाओ। आज से सारे रिलेशन तोड़ दो, ना तुम्हारे कोई माता पिता है, ना ही तुम्हारे कोई बहन है, ना ही तुम्हारा कोई भाई है, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है। तुम कंपटीशन की तैयारी करने आए हो जहां पे 17 लाख लोग भाग रहे हैं, तुम एक योद्धा हो, योद्धा, और योद्धा का सिर्फ एक ही धर्म होता है कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा होता है, हर तरीके से अपने आप को मजबूत बना रहा होता है। हम मुझे भी आते हैं, तुम्हें भी आएंगे, अब तुम्हारा, और ये जो आ रहे हैं ना वो आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक थॉट्स जो आ रहे हैं सेक्सुअल थॉट तुम्हारे, वो आते रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें हम घुस जाए, समय खराब करें, है ना, थॉट आने के बाद 50 तरह का वीडियो देखे, समय खराब करे और फिर गिल्टी फील करे, फिर एक दिन खराब, या हम उससे बचने की कोशिश करें। उससे कैसे बच सकते हैं, उससे ऐसे बच सकते हैं कि उस तरफ जब तुम्हारा एक कदम बढ़ाने का मन कर रहा हो ना, एक कदम बढ़ाने का मन कर रहा हो ना, उसी समय पे सोचो तुम्हारी और वीकनेस क्या है, तुम्हारे टेस्ट में नंबर कितने आए हैं, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, और एक कदम पीछे ले लो अपने आप को रोक, और जैसे एक कदम पीछे लोगे फिर तुम रिविजन और पढ़ाई करने लग जाओ। उसमें एक कदम आगे बढ़ाए तो 100 कदम आगे निकल जाओगे, और फिर अगले दिन जा गड़बड़ हो गया, आज के बाद कभी नहीं, कसम खाता हूं मैं कि मैं पहाड़ तोड़ दूंगा। अरे पहाड़ वार मत तोड़, तो एक कदम अपने आप को पीछे खींच और अपने कमियों के बारे में सोच, एक कमी का चिट्ठा बना के दीवार पे चिपका दे, आइसोलेट हो जा दुनिया से, ना तू, अब देख धीरे धीरे चीजें ठीक होती है, ना तू अपने किसी दोस्तों से बात कर, ना ही किसी फ्रेंड्स के सर्कल में जा, अपने आप को एकदम दुनिया से काट दे, एकदम दुनिया से काट दे, और बंद कमरे में बैठ के पढ़ाई कर।